मेयर हमारी बनेगी और दिल्ली को साफ सुथरा किया जाएगा, चमकाया जाएगा। दिल्ली मॉडल के ऊपर आम आदमी पार्टी को एमसीडी के अंदर भी बड़े बहुमत पे जो है हम लोग जो है देखेंगे कुछ दिनों में। अभी पहला एक घंटा जो है वो पोस्टल का होता है, एक घंटा लगता है कि अलग अलग पोस्टल बैलेट्स को खोल खोल के उनको गिना जाता है। सरकारी लोग होते हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं, डर भी होता है सिस्टम से कि कहीं खोल खोल के देख तो नहीं रहे कि कौन किसको वोट डाल रहा नहीं डाल रहा। अब जब ईवीएम खुली है, 5 मिनट से ईवीएम खुलनी शुरू हुई है, ये ट्रेंड बिल्कुल बदल जाएगा और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जीतेगी। रुझान आगे पीछे फिर भी आपकी तैयारियां पूरी है, जश्न का माहौल? पूरी तैयारियां हैं और आप देखेंगे बड़ा जश्न होगा। जीत के बाद की जश्न के बाद की क्या योजना है? देखिए जैसे ही रुझान क्लियर हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुंचेंगे, हमारे जितने कैंडिडेट जीते हैं वो सब यहाँ पे पहुंचेंगे, हमारे एमएलए यहाँ पे पहुंचेंगे, सब लोग मिलके जो है खुशी मनाएंगे इस चीज की। चर्चा होनी चाहिए लेकिन नियम, सवाल ये है कि महंगाई इतनी प्रबल हो गई है, लोगों के घर का बजट पूरा बिगड़ गया है, यहाँ रसोई में गैस नहीं जलती है, गृहिणी का दिल जलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है एक सामान्य चर्चा नहीं बल्कि जिस रूल के अंदर अपोजिशन चाहता है उस रूल के अंदर चर्चा होनी चाहिए ताकि चीज की गंभीरता रिफ्लेक्ट हो सके और आम आदमी तक ये संदेश जा सके कि पार्लियामेंट गंभीर है, गवर्नमेंट गंभीर है, अपोजिशन गंभीर है हमारी महंगाई के सवाल पर। तो इग्नोर कर रहे हैं, दे विल बी हॉलीडे ऑन दिसंबर 24 एंड 25। ठीक है इसमें, मगर जो एटीट्यूड, जनरल एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, वो एटीट्यूड जो है एक नज़र वाला नहीं है। सवाल तो आप जो है सबको एक नज़र से देखें, सरकार के लिए आवश्यक है कि वो सबको बराबर महत्व दे। सर आप इस समय स्थिति तो यह है कि कांग्रेस ही ड्राइविंग सीट पर है अभूषण के लिए, तो इसलिए जो विपक्ष के तौर पर विकल्पों को तलाश कर रहे हैं उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जब तक वो इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो भाजपा को शक्ति मिलती रहेगी और अपोजिशन की पार्टीज का एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि हमको कांग्रेस को कमजोर करना है। यदि आप वास्तव में भाजपा को रिप्लेस करना चाहते हैं, आप डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आगे लाना चाहते हैं तो फिर आपको कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को एक सहयोगी मान करके चलना पड़ेगा। तो सुरक्षा देने में नाकाम हो गई है सरकार हमारी? इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में वर्तमान सरकार बिल्कुल नाकाम हुई है और ये स्थितियों का राजनीतिक फायदा तो उठाना चाहते हैं लेकिन पंडितों की वापसी के लिए कश्मीर के अंदर कोई गंभीर प्रयास पिछले 8 सालों में दिखाई नहीं दिए। मैं ऐसी फोर्सेस जो है जो इस तरीके की चीजों को सामने ला करके समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना चाहते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हनुमान सार्वभौम देवता है और मैं समझता हूँ सबको एक नज़र से देखने वाले देवता हैं, तो उनके नाम पर भी तुम राजनीति करके लोगों में तू मैं शुरू करवाना चाहते हो तो ऐसा करने वाले तत्व कोई भी हैं उनकी निंदा की जानी चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है और जब मैं ये कह रहा हूँ उसका रीज़न है, याद करिए पिछले इलेक्शन के अंदर भी 2017 में तमाम सर्वेस, तमाम एग्जिट पोल्स ने कहा था बीजेपी की 50 सीटें आएंगी लेकिन रिजल्ट क्या निकला, बीजेपी 2/3 मेजोरिटी में आएगी। और इस बार भी जब आप डिस्क्लेमर लिखते हो चुनाव सर्वे में कहते हो कि 3-4% प्लस माइनस होता है, छोटा चुनाव है, छोटा चुनाव 300-400 वोट्स इधर या उधर होना विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो अगर आप जो कह रहे हैं, जो सर्वे कह रहे हैं, आपका मतलब सर्वे जो कह रहे हैं कि बीजेपी नुकसान में है, अगर वो 3-4% जो आप क्लेमर डिस्क्लेमर डालते हैं इधर हो गया, 300-400 वोट इधर आ गए जो अभी आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं, विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। और हमने काम करके दिखाया है, इसका नतीजे बताता हूँ आपको। याद करिए चुनावों के बीच में कूड़ा बहुत बड़ा मुद्दा था लेकिन चुनाव बीचों बीच आम आदमी पार्टी ने कूड़े को उठा के आरडब्ल्यू कर दिया। अगर आरडब्ल्यू इतना महत्वपूर्ण होता तो गारंटी में डालते,
नहीं डाला, क्योंकि चुनाव उन्होंने कूड़े स्टार्ट किया था। उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए, 2400 टिप्पर उनके रोज कूड़ा उठा रहे हैं, कोरोना के अंदर कूड़े का निष्कासन हुआ, आपके घर से कूड़े उठे, भारतीय जनता ने काम किया, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला मेयर दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। देखिए आप समझना पड़ेगा कि चुनाव बहुत छोटा है, 300, 400, 500 वोट कोई हजारों में फर्क नहीं आने वाला, 200, 300 वोट इधर या उधर होने में चुनाव जीत हार हो जाएगी। तो अगर अभी तो शुरुआत है, ट्रेंड जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ये 300, 400 वोट जो अभी आप लोग उधर दिखा रहे हैं सर्वेस के अंदर इधर आ गए, हमारी जीत है। और ये बात पिछली बार प्रूव हुई है, इस बार मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, पिछली बार भी सर्वेस के अंदर बीजेपी को 50 सीटें दिखाई गई थी, 2/3 मेजोरिटी आई थी, इसलिए कॉन्फिडेंस का रीजन भी है।